कोरोना कर्फ्यू में सड़क पर बेवजह घूम रहे पैदल और बाइक चालकों के प्रशासन ने चालान बनाए। बुधवार सुबह से ही एसडीएम राजेश मेहता, तहसीलदार यशवर्धन सिंह, नायब तहसीलदार दोजीराम अहिरवार जबरदस्त फार्म में नजर आए। जय स्तंभ चौराहे पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें शासन प्रशासन नगर पालिका अमले ने दो पहिया वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस आरसी चेक किए। डॉक्यूमेंट न होने पर चालानी कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही में वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। वाहन चालक इधर उधर भागते भी नजर आए। कुछ वाहन चालक चालानी कार्यवाही से बचने के लिए इधर उधर मोबाइल भी लगाते रहे, लेकिन एसडीएम के आगे कुछ नहीं चली। बेवजह पैदल घूमने वाले लोगों से भी पूछताछ की गई। लगभग ये कार्यवाही 4 घंटे ज़्यादा चली, जिसमें 200 से ज़्यादा वाहनों के चालान काटे गए। नागरिकों का कहना है कि रोज जनता कर्फ्यू में बड़ी दुकानों के अंदर से खोलकर व्यापार किया जा रहा है, इन पर कार्यवाही कब होगी? छोटी चालानी कार्यवाही से क्या होगा? जब तक प्रशासन नगर में सख्ती से पालन नहीं करेगा, तब तक दुकानों पर इसी प्रकार का दुकानें चलती रहेगी। गंजे बासुदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।